नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है, कल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो अर्दली है वो पेटीएम के जरिए भी घूस लेता था। वैसे वो सबसे लेता था, लेकिन अगर कोई वकील कहे कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहता था ठीक है जी पेटीएम से कर दो। और बाकायदा उसने अपनी वर्दी के ऊपर ही पेटीएम का क्यूआर कोड लगा रखा था कि नंबर भी न बताना पड़े, आप बगल से गुजरो, बस फोटो खींचो और उसको पेमेंट कर दो। भारत के लगभग सारी की सारी अदालतों में यह हो रहा है। अर्दली भी पैसा लेता है, पेशकार भी पैसा लेता है, चपरासी भी पैसा लेता है, तारीख देने के लिए भी पैसा लेता है, एडजमेंट करने के लिए भी पैसा लेता है, जल्दी जल्दी तारीख देने के लिए भी पैसा लेते हैं और लंबी लंबी तारीख देने के लिए भी पैसा लेते हैं। ये खुला खेल चल रहा है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अर्दली की फोटो खिंच गई, वायरल हो गया, न्यूज बन गई, लेकिन वास्तविकता यही है। और याद रखिए, ये जो क्लर्क लेता है या पेशकार लेता है या अर्दली लेता है, ये खुद ही नहीं लेते, इसमें शेयर होल्डर भी होते हैं, ये पैसा कुछ किसी और को भी देते हैं। दूसरी एक खबर आई है कलकत्ता हाई कोर्ट की, जहां पे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने वहां पे जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ था उसमें एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट को बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो सरकार के एडवोकेट जनरल खड़े होंगे, हो सकता है दो चार और सीनियर एडवोकेट खड़े हों, तो उनका जो पैसा है, उनकी जो फीस है एक एक दिन की 10-10 लाख रुपए, वो भी आपके ही टैक्स के पैसे से दी जाएगी। जनरली बंगाल की सरकार यहां दिल्ली के वकीलों को हायर करती है, सिंघवी जी खड़े होते हैं बंगाल सरकार के लिए और भी कई सारे सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं जो 10 लाख से लेकर 15 लाख लेते हैं, 20 लाख लेते हैं, तो उनकी जो फीस है वो ममता जी थोड़ी देंगी, बंगाल की सरकार देगी। इसका मतलब क्या हुआ, कौन देगा, जनता देगी। भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई पैसा होता है क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से रुपये खर्च करती है क्या? जैसे दिल्ली की सरकार खूब ऐड देती है अखबारों में, ऐड कौन देता है, आपके पैसे से आता है, आपका टैक्स का पैसा, पॉलिटिकल पार्टी अपनी ब्रांडिंग करती है, अपना फेस चमकाती है। तो यहां पे भी यही हो रहा। एक तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नवंबर के महीने में 1,45,000 रुपये जीएसटी आया है, 1.45 लाख करोड़, यानी 1.5 लाख करोड़। अगर इस रेशियो से देखें कि नवंबर में 1.5 लाख करोड़ आया है तो साल भर में कितना आया जीएसटी से, 18 लाख करोड़। ये ध्यान रखिएगा, साल भर में टोटल कितना आया, 18 लाख करोड़। अब जब भारत के कोई थाना ऐसा नहीं है जहां दलाली नहीं हो रही है, घूसखोरी नहीं हो रही है, कमीशनखोरी नहीं हो रही है, भारत की ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां पे घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली नहीं हो रही है, भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली नहीं हो रही है। हाई कोर्ट का आप देख ही रहे, वायरल हो रहा है घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली का वीडियो वायरल हो रहा है। अर्दली भी पैसा ले रहा है, बाकी तो छोड़िए, पेशकार कितना लेते होंगे, क्लर्क कितना लेते होंगे, सेक्शन ऑफिसर कितना ले होंगे, जब अर्दली भी पैसा ले रहा है। अगर कोई हाई कोर्ट का कोई जज ईमानदार है, कोई जजमेंट देता है, तो उसके खिलाफ सरकार खुद चली आ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक आ रही है कि नहीं नहीं नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो हाई कोर्ट का जजमेंट है ठीक नहीं है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट से पलटवाएंगे। और टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है जीएसटी से, 1.5 लाख करोड़ एक महीने में, यानी साल में कितना, 18 लाख करोड़। अब आप ये बताइए, भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है और बजट का 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है, यानी टोटल बजट 70 लाख करोड़ और उसका लगभग 20% यानी 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जाता है। जीएसटी से कितना पैसा आता है, लगभग 18 लाख करोड़ इस साल आएगा,
मैक्सिमम। अब कितना चला गया घुसखोरी कमीशनखोरी दलाली में, 14-15 लाख करोड़। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो जीएसटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा मैं आपको आंकड़ा देता हूं, इनकम टैक्स से कितना आता है, 8 लाख करोड़। घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली में कितना जा रहा है, 14 लाख करोड़। कहने का मतलब अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो इनकम टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो 6-7 करोड़ लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है उससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती संसद और विधानसभा में, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स दे तो रहे लेकिन अपने इनकम टैक्स का हिसाब नहीं मांग रहे। इनकम टैक्स वाले देने वाले ये नहीं कह रहे भैया हमने इनकम टैक्स दे दिया इसलिए हमें किसी सरकारी डिपार्टमेंट में 1 रुपया देना नहीं पड़ना चाहिए, हमने अपना टैक्स दे दिया, अब तो हम जिस डिपार्टमेंट में जाएं जो हमारा काम हो, जो सही काम है वो होना चाहिए। अब तो इनकम टैक्स जो पेयर है उनको कहना चाहिए भाई हमने इनकम टैक्स दे दिया, 8 लाख करोड़ दे दिया है, अब हम थाने में जाए तो हमें वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हम तहसील में जाए हमारा काम फटाफट होना चाहिए, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए हमारा काम फटाफट होना चाहिए, हम हाई कोर्ट जाए हमारा काम फटाफट होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाए हमारा काम फटाफट होना चाहिए, मुकदमे फटाफट तय होने चाहिए। अल्टीमेटली जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो थानेदार है, चाहे तहसीलदार है, चाहे हवलदार है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, चाहे हाई कोर्ट का जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो डीएम है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कमिश्नर है, चाहे मंत्री है, चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, उनका वेतन भत्ता गाड़ी बंगला आ कहां से रहा है? या तो इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं वहां से आ रहा है, या तो जो जीएसटी से पैसा आ रहा है वहां से आ रहा है। कोई सरकार तो नहीं दे रही है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं पैसा दे रही है ना, पैसा है किसका? टैक्स पेयर का। वो इनकम टैक्स देने वाले हो या जीएसटी देने वाले हो, अल्टीमेटली पैसा टैक्स पेयर का है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो भ्रष्टाचार है यही अलगाववाद की जननी है, ये जो भ्रष्टाचार है यही अपराध की जननी है, ये जो भ्रष्टाचार है यही माओवाद नक्सलवाद की जननी है, ये जो भ्रष्टाचार है यही मजहबी उन्माद की जननी है, ये जो भ्रष्टाचार है यही धर्मांतरण की जननी है, ये भ्रष्टाचार जो है यही घुसपैठ की जननी है, ये भ्रष्टाचार जो है यही रोहिंग्या घुसपैठ की जननी है और यही बांग्लादेशी घुसपैठ की जननी है, ये जो भ्रष्टाचार है इसी से रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं, भारत में आधार बनवा रहे हैं, भारत में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, भारत में वोटर आईडी बनवा रहे हैं, और बाद में कल को अपराध करेंगे वो भी आपके ऊपर करेंगे, और पैसा किसका, आपका। तो मैं इस देश के सभी टैक्स पेयर से निवेदन करता हूं, इस देश के सारे जीएसटी पेयर से निवेदन करता हूं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, अपने पैसे का उधार हिसाब तो मांगिए। आप घर में जो काम करने वाली आती है आपके घर में, 2-3 हजार रुपए देते होंगे, 1.5 हजार रुपए देते होंगे, 2 हजार रुपए देते होंगे, 2.5 हजार देते होंगे, 3 हजार देते होंगे, जो सुबह झाड़ू पोछा के लिए आपको बुलाते होंगे, बर्तन धोने के लिए बुलाते होंगे, उसको महीने में एक ही बार तनख्वाह देते, रोज रोज तो नहीं देते ना, या रोज पैसा देते हैं, एक बार महीने में दे दिया तनख्वाह, अब वो पूरे महीने काम करती है। आपने घर में अगर ड्राइवर रखा हुआ है क्या उसको डेली पैसा देते हैं क्या? एक ही बार तो देते हैं, महीने में एक बार दे दिया, अब वो एक महीने तक पूरी गाड़ी चलाता है ड्राइवर। आप घर में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसको क्या डेली पैसा देते हैं? नहीं देते, एक बार दे दिया, महीने की तनख्वाह दे दिया, पूरे महीने अपना काम करता है। तो जब चौकीदार को आप रोज नहीं देते, ड्राइवर को रोज नहीं देते, अपने घर में काम करने वाली को रोज नहीं देते, तो भैया इसी तरीके से जो हवलदार है उसको हर महीने वेतन मिल रहा है ना, थानेदार को हर महीने वेतन मिल रहा है, तहसीलदार को हर महीने वेतन मिल रहा है, पेशकार को हर महीने वेतन मिल रहा है, क्लर्क को हर महीने वेतन मिल रहा है, कलेक्टर को हर महीने वेतन मिल रहा है, कप्तान को हर महीने वेतन मिल रहा है, सांसद विधायक को हर महीने वेतन मिल रहा है, तो हर छोटे काम के लिए उसको पैसा क्यों? सोचना आपको है, तय आपको करना है। समाधान मैंने कहा था 2 जगह होगा, संसद में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे समाधान नहीं हो सकते, पीआईएल के जरिए हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, पीआईएल के जरिए गलत कानूनों को खत्म करवाया जा सकता है लेकिन नया कानून नहीं बनवाया जा सकता, क्योंकि कोर्ट अगर कोई कानून गलत बनाया गया है उसको खत्म कर सकती है, लेकिन नया कानून न खुद बना सकती है न सरकार को कह सकती है आप कानून बनाओ। अल्टीमेटली कानून सरकार को बनाना है, राज्य सरकार को बनाना और केंद्र सरकार को बनाना। तो संसद को और विधानसभा को जगाने का 2 तरीका है,
सांसदों और विधायकों को जगाने का दो तरीका है, एक है सड़क, दूसरा है सोशल मीडिया। या तो सड़क पे उतरिए, लाख दो लाख लोग उतरिए, देखिए अभी बढ़िया अच्छे अच्छे कानून बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, सब लोग एक नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर एक होके सड़क पे नहीं उतर सकते, इस देश के जीएसटी पेयर सड़क पे नहीं आ सकते, तो कम से कम और कुछ मत करिए, सोशल मीडिया में अपनी आवाज बुलंद करिए, फेसबुक पे आवाज बुलंद करिए, फेसबुक पे 5,000 दोस्त बनाइए, वहां अपनी बात लिखिए, व्हाट्सएप पे अपनी ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, ट्विटर पे लिखिए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे आप 5,000 दोस्त बना सकते हो, आपके हाथ में है, बाकी तो आपके हाथ में नहीं है। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, लेकिन फेसबुक पे 5,000 दोस्त आप बना सकते हैं, आपके हाथ में है, तो आप बनाइए और लिखिए कि भैया हमने टैक्स दे दिया, हमने इनकम टैक्स दे दिया, हमने जीएसटी दे दिया, अब हमसे हर बात के लिए पैसा क्यों मांगा जा रहा है, और जब हमने पैसा दे दिया तो अब हवलदार अपना ईमानदारी से काम करे, थानेदार ईमानदारी से अपना काम करे, क्लर्क अपना काम करे, कलेक्टर अपना काम करे, तहसीलदार अपना काम करे, जज अपना काम करे, मुकदमा जल्दी जल्दी तय होना चाहिए। इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, तो टोटल हो गया 10 करोड़ मुकदमा। 10 करोड़ मुकदमा, आप सोचिए जरा, इन मुकदमों की कभी चर्चा भी नहीं हो रही संसद विधानसभा में, क्यों? क्योंकि तारीख पे तारीख लोग जा रहे हैं लेकिन सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सड़क पे नहीं उतरते, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए सड़क पे नहीं उतरते, अच्छा कानून बनाने के लिए सड़क पे नहीं उतरते। और जब तक अच्छा नहीं कानून नहीं बनेगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा, आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, मुकदमे का फैसला नहीं होगा, आपको अदालत में कोर्ट में केवल तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा, आपको जहां जाएंगे आपको वहीं जलील किया जाएगा, एक क्लर्क भी आपको जलील करेगा, एक तहसीलदार भी जब जलील करेगा, हवलदार भी आपको जलील करेगा, थानेदार भी आपको जलील करेगा, क्योंकि पैसा ये नीचे से ऊपर तक जाता है, जो पैसा आप थानेदार को देते हैं वो थानेदार तक नहीं रहता है, वो पूरा ऊपर तक जाता है, जो पैसा आप क्लर्क को देते हैं केवल क्लर्क तक नहीं रहता, ऊपर तक जाता है, पूरी चैन बनी हुई है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इस वीडियो को टेलीग्राम से उठा के अपने फेसबुक पर डाल दीजिएगा, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और अधिक से अधिक राष्ट्रहित में उसका उपयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।